ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, माई सेल्फ सी ए हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में, पार्ट वन के वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करी, जिसके अंदर हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्यवसाय पृथक अस्तित्व अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवसाय अवधारणा, हिस्टोरिकल कोस्ट मेथड, ऐतिहासिक लागत अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट, दोहरा लेखा अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड, लेखांकन अवधि अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट, मिलान अवधारणा, रियलाइजेशन या रेवेन्यू आगम अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी और एक्रुअल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स अकाउंटिंग परंपराओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग अकाउंट कन्वेंशन में लेंगे डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और मैटेरियलिटी कन्वेंशंस। इससे पहले कि हम इनकी डिटेल में जाएं, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या अंतर है। तो जब आप कंसेप्ट की बात करते हैं, याद करें कि एस्टेब्लिश कौन करता है, कंसेप्ट सिद्धांत है, मतलब कानून के रूप में आप इसे लेते हैं। कन्वेंशन एक परंपरा है, गाइडलाइन है हमारे लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब आप लो की बात करते हैं आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जब आप बायसनेस की बात करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे मैंने कहा लो के आधार पर है, आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, आप कोई पर्सनल इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पॉसिबिलिटी है कि आप बायस लेवल पे चले जाएं। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में यूनिफॉर्म एडॉप्शन रहता है, क्योंकि एक सिद्धांत, एक नियम जो कहा गया है कि व्यवसाय व्यवसायी को अलग अलग माना जाता है, तो वो वर्ल्ड लेवल पे एक जैसा कंसेप्ट रहेगा। जबकि जब अकाउंटिंग कन्वेंशंस की आप बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एडॉप्शन नहीं हो पाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार से अपने प्लस माइनस मैनिपुलेशन उसके अंदर करता है। तो आइए बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के डिटेल में। अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमारे पास, अगर हम पहली अकाउंटिंग कन्वेंशन के को लें तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाता है। रूढ़िवादी किस वे में होता है, वो फ्यूचर में होने वाली हानियों को के लिए प्रावधान पहले तैयार करता है। तो हम लेखांकन में भी यही मानते हैं कि भविष्य में होने वाली हानियों का आप प्रावधान बना लीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों को तभी आप नोट करिए जब उनका होना निश्चित हो जाए, और उसे आप वर्तमान में नहीं लिखिए, या तो वो घटित हो जाए या आपके पास वास्तव में रिसीव हो जाए। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मीन्स रूढ़िवादी परंपरा क्या कहती है कि भविष्य में होने वाली हानियों का प्रावधान बनाइए, किंतु भविष्य में होने वाले लाभों को आप अभी नोट नहीं करें। अगली कन्वेंशन हमारे पास है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये कन्वेंशन ये मानती है कि एक लेखाकार को लेखा से संबंधित संपूर्ण सही सटीक जानकारी अपने लेखों में दे देनी चाहिए, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन आर्टिकुलेशन नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन तीसरी हमारे पास है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट संगतता अवधारणा परंपरा, जो ये मानती है कि सभी लेखांकन परंपराओं को, लेखांकन सिद्धांतों को ईयर टू ईयर एक जैसा पालन किया जाए, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो समुचित स्थान पर उसे प्रकट किया जाए। इसके बाद अंतिम आता है मैटेरियलिटी कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस कंसेप्ट। आप अपने मुख्य मुद्दों को, मुख्य राशियों को हाईलाइट करें, छोटी राशियों को ग्रुप करके इस तरीके से लिखें कि उसको उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं आए। उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपए का माल बेचते हैं तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंस हुआ, आप उसको लिखें, लिखना ही चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि 1 रुपए में का माल बेचा तो 1 रुपए के माल को आपको नहीं लिखना है,
ऑफ कोर्स लिखना है। कैसे लिखना है? अगर आप डे टू डे चाय पानी के खर्चे की बात करें तो उसके लिए पेटी कैश, छोटा कैशियर आप नोट बना दें, पेटी कैश बुक बना दें, उसमें आप एक्सपेंडिचर करें, और महीने के इकट्ठे ट्रांजेक्शन्स आप अपनी बड़ी मेन कैश बुक के अंदर नोट कर दें। ये मेटरनिटी कंसेप्ट कहती हैं, कन्वेंशन कहती हैं। तो ये थी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया। अब आने वाली क्लासेस में हम अकाउंटिंग की इक्वेशन और अकाउंटिंग के अदर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे।